नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे तीज पूजा व्रत, हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और पूजा सामग्री शेयर करने जा रही हूँ। और संपूर्ण पूजा हम मंदिर में, क्योंकि बहुत से लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, तो मंदिर में जाकर भगवान शिव माता पार्वती की विधिवत पूजा हम कैसे करते हैं, तीज व्रत के दिन विशेष पूजा हम कैसे करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले पूजन सामग्री बता रही हूँ। पूजन सामग्री में हमें चाहिए बेलपत्र और जो भी चीज़ें मिल रही हैं, शमी के पत्ते, भांग का पत्ता, बेल के पत्र, तीन तीन की संख्या आम होनी चाहिए, कटे फिटे नहीं होने चाहिए। फूल, माला, पीले रंग का फूल, भगवान शिव को चढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग का फूल, कनेर का फूल, माता पार्वती को चढ़ाने के लिए चुनरी, भगवान शिव को चढ़ाने के लिए आप पीले रंग का कोई वस्त्र ले सकते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया, बाती, और मीठा चढ़ाने के लिए तिल का तेल लिया मैंने, आप देसी घी भी ले सकते हैं। में मीठी चीज़ भोग लगाने के लिए आप पेड़ा अपने हाथों से बना के ले सकते हैं। धूप बत्ती चाहिए, माचिस, और इस तरह से सारी चीज़ें चाहिए। विभूति भगवान शिव को चढ़ाने के लिए अगर आपको मिल पाए, जनेऊ चढ़ाने के लिए। उसके बाद भगवान शिव के अभिषेक के लिए हमें चीज़ें चाहिए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, ये सारी चीज़ें चाहिए। गंगा जल लिया है मैंने, दूध लिया है, दही लिया है, शहद, चीनी और घी, देसी घी, ये सारी चीज़ अभिषेक में चढ़ाई जाती हैं। हल्दी, कुमकुम चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को हल्दी नहीं लगानी चाहिए और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती को चढ़ाने के लिए सिंदूर लेंगे। अपना सिंधौरा शादी का आप साथ में ज़रूर रखें पूजा के समय। तो ये संपूर्ण पूजन सामग्री है जो कि आसानी से आपको उपलब्ध हो पाए, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ में गंगा जल से आश्मी करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे। यही पूजा विधि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप यही पूजा विधि घर में भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजा करेंगे। भगवान गणेश जी को जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। तो भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए ही हमें पूजा शुरू करनी है। जनेऊ चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव की पूजा करेंगे। भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के लिए दही चढ़ाएंगे, सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाएंगे, गाय का कच्चा दूध चढ़ाएंगे, फिर दही चढ़ाएंगे। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करना है। जैसा कि मैंने बताया, यही पूजा विधि आप घर में भी कर सकते हैं। आप घर में भगवान शिव की मूर्ति बना के पूजा कर सकते हैं। घर में अगर आपके शिवलिंग है तो आप उसी तरह घर में पूजा कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं मंदिर में जाके पूजा करती हैं, तो यही विधि आप मंदिर में भी पूजा इस तरह से कर सकते हैं। दही चढ़ाएंगे, कच्चा दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, इस तरह से अच्छी तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। शहद चढ़ाएंगे, शहद न हो तो आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं, देसी घी चढ़ाएंगे। तो इस तरह से भगवान शिव सच्चे मन से हमें पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती, भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। आपको पूजन सामग्री में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें मिले। अगर आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप जल चढ़ा के भगवान शिव का जाप करते हुए और बेलपत्र चढ़ा के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद इस तरह से बाद में हम जल अर्पित करेंगे। अच्छी तरह से भगवान शिव को नहलाएंगे, फिर हम जल माता पार्वती को चढ़ाएंगे, कार्तिकेय भगवान जी को चढ़ाएंगे, क्योंकि मंदिर में नंदी भगवान को चढ़ाएंगे तो मंदिर में सारे भगवान रहते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है और आप घर में पूजा करना चाहते हैं, तो आपके पास जो फ़ोटो है भगवान शिव परिवार की, जो फ़ोटो है, आप उस पर भी पूजा कर सकते हैं बहुत ही सरल विधि से। अब भगवान शिव को कुमकुम लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, विभूति चढ़ाएंगे। भगवान शिव को विभूति बहुत पसंद है, भस्म बहुत पसंद है, अपने शरीर में लगा के रखते हैं। उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे,
भगवान शिव को वस्त्र पहनाएंगे पीले रंग का, इस तरह से अंगोछा अगर आपको मिल पाया तो आप चढ़ा सकते हैं, जनेऊ चढ़ाएंगे। बहुत लोग मानते हैं कि जो जनेऊ है वो भगवान को जेम्स ही पहना सकते हैं। माला चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र जो है तीन तीन की संख्या में होना चाहिए, कटा फिटा नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र जो है 5, 7, 11 की संख्या में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाना है। और भी भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जैसे धतूरा है, अगर आपको मिल पाए तो वो सारी चीज़ें, भांग के पत्ते हैं, कनेर का फूल है, धतूरे का फूल होता है, मदार का फूल होता है, तो जो भी आपको आसानी से मिल पाए वो सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। समी के पत्ते जरूर भगवान शिव को चढ़ाने चाहिए। इसी तरह दुर्वा गणेश भगवान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए पूजा में। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरह से हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। मीठा भोग लगाएंगे, जो भी आप बतासे हैं, चीनी है, मिश्री है, कोई पेड़ा है, मिठाई है, वो आप चढ़ा सकते हैं। पान के पत्ता, पान के पत्ते में लौंग और इलायची रख के इस तरह से चढ़ाएंगे। तीज के दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो सैनिटाइजर ज़रूर रखिएगा और बहुत भीड़ में से बचिएगा। अब माँ पार्वती की पूजा करेंगे। माँ पार्वती को कुमकुम लगाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, सिंगार का जो भी सामान आप आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि बिंदी है, चूड़ी है, सिंदूर है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप जो है नेल पॉलिश, आलता, मेहंदी, ये सारी चीज़ें भी आप चढ़ा सकते हैं। लाल रंग का फूल माँ पार्वती को चढ़ाएंगे, चुनरी या आप नई साड़ी माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं इस तरह से। बिंदी निकाल के माँ पार्वती को लगा देंगे। तो जो भी श्रृंगार का सामान है वो आप माँ पार्वती को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये किसी सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। फिर अगर आप मंदिर में हैं तो और भगवान जी की भी पूजा करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि कार्तिकेय भगवान की पूजा उस समय नहीं की जाती है, लेकिन मंदिर में गए हैं तो सभी भगवान जो भी हैं उनकी पूजा करना हम ज़रूरी समझते हैं। फल चढ़ाएंगे, जो भी जैसे केला है, सेब है, नाशपाती है इस समय, तो जो भी मौसमी फल है हम वो चढ़ाएंगे। साथ में हमें नंदी भगवान जी को भी जल चढ़ाना है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। धूपबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे और आरती करेंगे। भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव की आरती करेंगे और फिर माँ पार्वती की आरती करेंगे। तो गणेश भगवान जी की आरती है, शिव ओंकारा आरती है, माँ पार्वती की आरती है, वो करेंगे। मंदिर में पंडित जी बैठते हैं, वो कथा सुनाते हैं, तो आप उनसे कथा सुन सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर हलता का तीज व्रत की कथा है तो वो अपने आप पढ़ें, या फिर आप नेट से ढूंढ के आप कथा ज़रूर सुने। माँ पार्वती और भगवान शिव की जो कथा होती है वो सुनना अनिवार्य होता है। व्रत के दिन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, अपशब्द ना कहें, और निर्जला व्रत होता है, घर में लहसुन प्याज ना बनाएं, बच्चों के लिए भी ना बनाएं। उसके बाद पूजा के अंत में इस तरह से रक्षा सूत्र से भगवान शिव और माता पार्वती को घेरा लगाया जाता है, 5 बार घेरा लगाते हैं। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती से आशीर्वाद लेंगे। के बाद सुहाग लेंगे, जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ा है उसमें से कुछ श्रृंगार का सामान अपने दिए, जैसे बिंदी लगा ली। उसके बाद हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, अगले दिन सुबह पूजा करके हम पारण करेंगे। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।